Hello children, good morning. How are you all? Fine? Okay, so today we are going to study subject GK of class 2nd, chapter number 18, useful plants. Today we are going to study how plants are useful to us. See, can you guess how many gifts we get from plants? So can you guess how many gifts we get? Plants are very useful to us. They give us many gifts, like the chocolate you eat come from cocoa plants. So, आप लोगों को chocolates खाना पसंद है, है ना? तो वो chocolates किस में से बनती हैं? Cocoa नाम का एक plant आता है, जिसके cocoa में से chocolate बनती है. So, chocolates भी हमें कहाँ से मिलती हैं? Indirectly हमें chocolates भी plant देते हैं. Your favorite chips are made from potatoes. आप लोग wafers खाते हो ना? बहुत अलग-अलग types की wafers आती हैं, तीखी, मोरी, है ना? वो जो वेफर्स है वो किससे बनती है? पोटैटो से. ये तो आपको पता है, पर पोटैटो कहाँ से आता है? दैट इज आल्सो प्लांट में से आता है. पोटैटो भी हमें प्लांट के पास से ही मिलता है, है ना? इवन द टी एंड कॉफी योर पेरेंट्स टेक कम फ्रॉम प्लांट्स. आप लोग सुबह में मिल्क पीते हो, राइट? तो आपके पेरेंट्स जो है, कोई कॉफी पीता होगा, कोई टी पीता होगा, चाय, है ना? तो आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉफी पीते होंगे. तो वो कॉफी और टी, वो जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? टी प्लांट एंड कॉफी प्लांट में से. वो भी हमें प्लांट में से ही मिलता है. देन द क्लोथ्स यू वेयर और द पेपर ऑफ योर बुक्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स. हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी हमें प्लांट्स देते हैं. और आपकी जो बुक है, बुक के पेपर्स जो होते हैं वो किस में से बनते हैं? That is also made from the plants. Plants को काट के उसके wood में से आपके paper बन गया और फिर वो paper पे आप लिखते हो. So that are also made from plants. क्यों बोलते हैं कि pages नहीं फाड़ने चाहिए, book को waste नहीं करना चाहिए? अगर आधी book बची है तो आप उसका भी reuse करते हो next year में, या फिर आप tuitions में use करते हो. क्यों ऐसा करते हो? Because we can save plants by doing this. है ना? Even rice, pulses, fruits, vegetables and so many other things are obtained from plants. हमें rice, fruits, pulses ये सब भी हमें plant के पास मिलता है. Chips are made from, देखो यहाँ पे choose the correct दिया हुआ है. Chips are made from dust. Chips किस में से बनती है? Potato, tomato या brinjal. So that is potato. Oil you apply on your hair comes from dust. Banana, coconut, rocks. हम बालों में तेल लगाते हैं तो हमें कहाँ से मिलता है? कोकोनट में से. ओके, स्पिनेच वी ईट इज द डैश ऑफ अ प्लांट. स्पिनेच जो है तो वो क्या है? प्लांट का कौन सा पार्ट है? लीफ, है ना? फिर द डैश प्लांट गिव्स अस मटेरियल टू मेक फैब्रिक. हम जो कपड़े पहनते हैं तो किससे बनते हैं? फैब्रिक में से. तो वो फैब्रिक कहाँ से आता है? कौन देता है हमें? कॉटन प्लांट. ओके, सो यू क्लियर अप टिल हियर? नाउ सी हियर, चूज द करेक्ट आंसर्स वी विल डू इन अ सीडब्ल्यू. The chocolate you eat come from dash plant. तो हम जो chocolate खाते हैं वो कहाँ से आती है? Come from cocoa plant, है ना? यहाँ पे तुमको options दिए हुए हैं, A cocoa, B brinjal, C cotton and D coconut. तो that is cocoa. Then chips are made from dash. Chips किस में से बनती है? Potato, brinjal, tomato, carrot. तो किस में से बनती है chips? Potato में से. तो यहाँ पे आपको लिखना है potato. समझ में आ रहा है? फिर है कॉफी कम फ्रॉम डैश प्लांट. कॉफी किस में से बनती है? कॉफी में से. कॉफी प्लांट में से बनती है ना? सो यहाँ पे बी सी ओ डबल एफ डबल ई कॉफी. ओके, फिर है टी कम फ्रॉम डैश प्लांट. तो टी कौन से प्लांट में से मिलती है हमें? टी प्लांट में से, है ना? चाय, जब मम्मी चाय बनाती है, आप लोग अपनी मम्मी को पूछ सकते हो, जब चाय बनाती है तो उसमें चाय पत्ती डालती है. वो चाय पत्ती कहाँ से आती है? टी प्लांट में से. So that is here you will write T और यहाँ पे D में है ये option. So D option is correct. Clothes you wear are made from dash plant. तो हमारे जो क्लोथ है वो किस में से बनते हैं? फैब्रिक में से. तो वो फैब्रिक कहाँ से बनता है? कॉटन में से. सो कॉटन हमें कौन देता है? कॉटन प्लांट. ये पूरी प्रोसेस है. ऑयल यू अप्लाई ऑन योर हेयर कम फ्रॉम डैश. हम ऑयल डालते हैं ना बालों में, तो वो ऑयल कहाँ से आता है? कोकोनट में से. सो दैट इज हियर कोकोनट. समझ में आया? ओके चिल्ड्रन, सो यू क्लियर अप टिल हियर. एंड तुम्हारी वर्कबुक में
सीड्स के नेम दी हुई है, तुम्हारी बुक के नीचे सीड्स के नेम लिखे हुए हैं और वहां पे ब्लैंक दी हुई है, वहां पे जो नेम लिखा हुआ है वो सीड्स तुमको कलेक्ट करके उधर पेस्ट करने हैं, ओके, मतलब उसको चिपकाना है फेविकोल से या गम से, किसी से भी आप चिपका सकते हो। सो वो एक्टिविटी भी तुमको करनी है वर्कबुक में, ओके। सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर विद आवर न्यू लेसन 20, ओके। सो टिल दैट बाय बाय, थैंक यू।